वो मेरे पापा से भी बहुत बड़े हैं, वो इतने हॉट कैसे लग सकते? किसी ने ये बात पे गौर किया है अभी तक? सब तो दीपिका मैडम की बिकनी के ऊपर चले गए आप लोग, ठीक है ना? उस हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी आज बहुत ही मस्त हूँ, बिकॉज पठान का बेसब्री से ट्रेलर का जो इंतज़ार था, टीज़र आया था, ट्रेलर अभी तक नहीं आया था तो आ चुका है, और मैं 2 दिन लेट हो चुकी हूँ, तो आज उस पर रिएक्शन वीडियो बनाते, उसके बाद में बताएंगे कुछ कुछ। लेट्स गो। आउटफिट एक्स एक प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। मैम, वी हैव अ रेड फ्लैग। दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये नेगोशिएशन नहीं, मतलब जो ने अल्टीमेटम है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया। एनी टाइम स्टार्ट्स, मुझे सूट नहीं करते हैं वो, तो हीरो ही अच्छे लगते हैं। नाउ तो अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। बाड़ी पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मानवाजी के लिए पठान तो आया, और पटाखे भी लाएगा। मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? पठान हंटर हंटेड। आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। का जय हिंद था। तो मैं मेरे तरफ से मैं बस ये बोलना चाहूंगी, दीपिका मैडम का जो बिकिनी था उसको साइड करके, वो केसरिया रंग वाला साइड करके सीन पे हम शाहरुख SRK पे आते हैं। वो मेरे पापा से भी बहुत बड़े हैं, वो इतने हॉट कैसे लग सकते? किसी ने ये बात पे गौर किया है अभी तक? सब तो दीपिका मैडम की बिकिनी के ऊपर चले गए आप लोग, ठीक है ना? उसने ये पहना था, इन पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, इतने हॉट कैसे लग सकते हैं ये? तो अभी अभी आए हैं इंडस्ट्री पे, अभी अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं, ऐसे में तो परफेक्ट लगते हैं। मैं यही सोच रही थी सबको उन पे उंगली कैसे उठाती, उंगली इन पे भी उठाना चाहिए था, इतने हॉट कैसे लग सकते हैं ये? खैर उनका पर्सनल मैटर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हॉट लग सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? हमारे पापा सबको, हमारे अंकल सबको देखो उन, कोई ना। तो जब ट्रेलर आने के बाद इतना ज़्यादा घमासान युद्ध शुरू हो चुका है, जैसे सनातन धर्म वाले जैसे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद कर रहे हैं, ट्रेलर आने के कुछ ही घंटों बाद से स्टार्टिंग हो गया था, और मैं तो 2 दिन, ऑब्वियसली मैं 2 दिन लेट हूँ रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। और जब मूवी आएगी तो और क्या होगा, मुझे बस वही देखना है। सो आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक था। पठान का ट्रेलर कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और जो जो SRK के फ़ैन है वो बताना, और किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा था वो कलर को लेकर, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय।